नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र की वादियों में घूमती ये पिंक कलर की बस जन सम्मान यात्रा की है। इस बस में सवार हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वाकद्दावर नेता अजीत दादा पवार, जो राजनीति का रुख किसी भी दिशा में पलटने का मादा रखते हैं। जिधर से भी ये जन सम्मान यात्रा निकलती है, महिला पुरुष बच्चे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता के स्वागत में उमड़ पड़ते हैं। अजीत दादा पवार बस से उतरकर सभी का अभिवादन करते हैं, तो वहीं महिलाएं उनकी कलाई पर राखी बांधकर अपना स्नेह दर्शाती हैं। जन सम्मान यात्रा नासिक के जिंडोरी से शुरू की गई। अजीत दादा पवार ने सम्मान यात्रा में लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, योजना चालू करीन हे लोक विरोधक सांगतील बंद करणार आहेत थोडे दिवस करताय तसं अजिबात नाही, आपल्याला कायम चालू ठेवायचं। दोन महिन्याचे पैसे जुलै आणि ऑगस्टचे उद्याच्या 17 तारखेला तुमच्या अकाउंटला येतील। 17 तारखेला काही ठिकाणी फॉर्म भरायला गडबड झाली आहे आणि त्या पैशाची व्यवस्था केलेली आहे, काही काळजी करू नका। असं दर महिने दर 2 महिन्याला 3-3 हजार रुपये आम्ही देणार तुमच्या महिन्याला दिला, ठीक आहे ना? अधिक वापर करा। कि हम जनता के सेवक हैं और महायुति की सरकार के माध्यम से महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए काफी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई गई हैं। बहनों को 1,500 रुपये प्रतिमाह हमेशा दिया जाएगा। लड़कियों को राज्य सरकार मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। किसानों के बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से कहा किसी के भी बहकावे में ना आए। विधानसभा में महागठबंधन की सरकार लाने के लिए उनको आशीर्वाद दें। हमेशा अजीत पवार आपके साथ खड़े रहेंगे। इस जनसम्मान यात्रा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुनील तटकरे, वरिष्ठ नेता व मंत्री छगन भुजबल, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, खेल मंत्री संजय बंसोड़े, विधायक नितिन पवार, पूर्व सांसद समीर भुजबल, महिला प्रदेश अध्यक्ष रूपल ताई चाकणवर, युवा प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौहान, जिला अध्यक्ष रविंद्र पवार, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद हिंदू राव आदि समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। जिधर से भी जन सम्मान यात्रा निकलती, भीड़ का कारवा देखते ही बनता समझा जाता है अजीत दादा पवार की जन सम्मान यात्रा महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई जोश और नई ऊर्जा भरती जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जन सम्मान यात्रा शुरू की है और उसका सब प्रोग्राम हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी और बाकी साथियों ने तय किया है। आज से शुरुआत है, पूरे महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा 500 से में हम जाने की कोशिश करने वाले हैं और उसमें अभी हम महायुति में काम करते हैं, हम गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट में क्या क्या
योजना हमने लोगों के लिए लाया है उसके बारे में हम लोग उनको बताएंगे। गवर्नमेंट में जाने के बाद जो भी अच्छे डिसीजन समाज के लिए लिए है, महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, फार्मर्स के लिए लिए है, युवा युवतियों के, सभी हमारे जो एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।